नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय चौमेला जिला झालावाड़ की ओर से संचालित ई क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य हिंदी, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का प्रकरण केशवदास कोटा विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष में जो प्रथम अध्याय हैं, केशवदास द्वारा प्रणीत रामचंद्रिका नामक महाकाव्य के बाल कांड का प्रकरण है ताड़का सुबाहु वध। इस प्रकरण से एक छंद आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस अध्याय के प्रथम दो छंद बालकांड के ही हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। उनमें सरस्वती वंदना और राम वंदना से संबंधित मंगलाचरण के छंद थे, जिनमें सरस्वती जी की और श्री रामचंद्र जी की महिमा का गुणगान कवि केशवदास ने किया था। इसके बाद जो तीसरा छंद पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है वो बालकांड से ही ताड़का सुबाहु वध प्रसंग से लिया गया है। इस छंद में छंद हैं घनाक्षरी छंद हैं, छंद इस प्रकार हैं: पावक पवन मणि पन्नग पतंग पित्र जेते ज्योतिवंत जग ज्योतिष न गाए हैं असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु केशव चराचर जे वेदन बताए हैं अजर अमर अज अंगी ओ अनंगी सब बरणी सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिबे को भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। यह घनाक्षरी छंद हैं और इस छंद में कवि केशवदास ने सीता जी के स्वयंवर का वर्णन किया है। सीता जी का स्वयंवर है, उसमें कई देश विदेश के कई राजाओं ने को आमंत्रित किया गया था, कई राजा उस स्वयंवर में आए हैं, कई प्रकार के असुर सिद्ध प्रसिद्ध सिद्ध देवता और कई सारे राजा उस स्वयंवर में पधारे हैं। तो यहाँ उस स्वयंवर का वर्णन ही कवि ने इस छंद में किया है। स्वयंवर का वैभव कैसा है कि जिसको देखने के लिए स्वयं विश्वरूप ईश्वर ही पधारे हैं। अर्थ इसका इस प्रकार है: पावक, पावक यानि आग अग्नि, पवन मणि पन्नग मणिधारी जो मणियों को धारण करते हैं, नाग, पतंग सूर्य, पितृ चंद्रमा, जेते यानि जितने भी ज्योतिवंत यानि ज्योतिमान हैं, प्रकाशवान हैं, ज्योतिवंत हैं, जग यानी जग में, ज्योतिषिन यानी ज्योतिषी, गाय हैं यानी गाय हैं, बताए हैं, वर्णन किया है। तो अग्नि, पवन, मणिधारी नाग, सूर्य, चंद्र, ये जितने भी
ज्योतिवंत हैं जग में, इस संसार में, इस जगत में जितने भी ये प्रकाश पुंज हैं, ज्योतिवंत हैं, इनके बारे में ज्योतिषियों ने वर्णन किया है। जितने भी ये ज्योतिवंत हैं, जिनके बारे में ज्योतिषियों ने वर्णन किया है, ज्योतिष इन गाए हैं, ज्योतिषी जिनके बारे में गा चुके हैं, गाए हैं, गाते हैं या जिनका वर्णन करते हैं, असुर प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध असुर, सिद्ध जो प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले, तीर्थ सहित सिंधु, तीर्थों के साथ साथ समुद्र, केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। केशव दास जी कहते हैं कि जितने भी ये चराचर हैं, चर अचर जिनको वेदों में बताया गया, वेदों में जितनी भी चर अचर, जो भी चर अचर हैं जिनके बारे में वेदों में बताया गया है, कई असुर हैं, सुर हैं, दानव देवता, प्रसिद्ध सिद्ध हैं, तीर्थ हैं, समुद्र हैं, तो सभी चर अचर के बारे में जिनके बारे में वेदों में बताया गया है, अजर जो वृद्ध नहीं होते, अमर देवता जो मरते नहीं हैं, अज यानि जन्म नहीं लेने वाले अजन्मे, अंगी यानि शरीरी अंग वाले शरीर वाले, और अनंगी अशरीरी बिना शरीर वाले भूत आदि, ये सभी यानि अजर अमर अजन्मे शरीरी अशरीरी सभी वर्णी सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं, ऐसा गुण किसने पाया है जो इन सब का वर्णन कर दे या इन सब का वर्णन करके सुना दे, ऐसा गुण किसने प्राप्त किया है। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिबे को भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि सीता जी के स्वयंवर में ये सभी के सभी उपस्थित हैं। सीता जी के स्वयंवर में सभी को आमंत्रित किया गया, तो सभी देश विदेश के राजा दानव देवता सभी पधारे गए हुए हैं, तो ऐसा वैभवपूर्ण वैभवशाली जो स्वयंवर रचा गया है सीता जी का, उस स्वयंवर की महिमा का, उस स्वयंवर का वर्णन कवि ने इसमें दिखाया है। सीता के स्वयंवर को रूप, उस स्वयंवर का रूप इतना वैभवशाली है कि अवलोकिबे को उसको देखने के लिए, उसका अवलोकन करने के लिए भूपन को रूप धरी राजाओं का रूप धारण करके विश्व रूप आए हैं, साक्षात विश्व रूप ही आए हैं। अर्थात जितने भी राजे वहाँ बैठे हुए हैं उन सभी राजाओं के रूप में साक्षात विश्व रूप यानि साक्षात परमात्मा ईश्वर ब्रह्म ही आकर उपस्थित हो गए हैं उस स्वयंवर का रूप देखने के लिए, उस स्वयंवर का जो वैभव है उसको निहारने के लिए, उसको देखने के लिए साक्षात परमात्मा ही राजाओं का रूप धारण करके उस स्वयंवर में उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार कवि ने इसमें सीता जी के स्वयंवर का एक प्रकार से बड़ा चराकर अतिशयोक्तिपूर्ण भी वर्णन किया है। इसमें वर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार भी हैं, संभावना से उत्प्रेक्षा रूपक भी। और छंद घनाक्षरी हैं, भाषा रीतिकालीन ब्रज साहित्यिक रूप हैं, और कवि ने यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से छंद प्रस्तुत किया है।
इस प्रकार कला पक्ष और भाव पक्ष की दृष्टि से यह छंद चमत्कार पूर्ण बन पड़ा है। इसके बाद दूसरा छंद सीता का रूप वर्णन से संबंधित हम अगले अध्याय में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।